ओके okay. हम बात कर रहे हैं लेंज लॉ की। हमने फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ा, कल हमने डिस्कस किया था लेक्चर में। फिर हमने फैराडे सेकेंड लॉ पढ़ा। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बात करता था कि आपका जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है एक कॉइल के साथ, तो उसके अंदर क्या होता है, इंडक्शन होती है। क्या होता है, इंड्यूज होता है। क्या इंड्यूज होगा, जहां तो करंट, जहां क्या बोलेंगे, ईएमएफ। दूसरे लॉ ने क्या बताया हमें, फैराडे के लॉ ने, जो आपका ईएमएफ जहां करंट इंड्यूस हुआ है उसकी कितनी वैल्यू है, उसका कितना मैग्नीट्यूड है, वो किसने बताया हमें, फैराडे सेकेंड लॉ ने। और जिसका फार्मूला क्या था, व्हाट वाज स्टेटमेंट ऑफ दैट, स्टेटमेंट ये थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि डी फाई बाई डी टी। ये आपका ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डी फाई बाई डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रॉब्लम हमें कहाँ आ रही थी, हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि जो डायरेक्शन होगी करंट की वो किस तरफ होगी, जब पोलैरिटी जो होगी आपकी किसकी, ईएमएफ की, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी पोलैरिटी जो होगी वो कौन सी पोलैरिटी होगी, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा बनेगा। इसको समझाने के लिए कौन सामने आए, लेंस, जिसका नाम ही क्या डाल दिया हमने, लेंस लाल बना डाल दिया। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। अल्टीमेटली लेंस लॉ जो है इसने क्या बताया, इसने बताया जो कौन भी, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो तो किसकी वजह से हो रहा है, इट इज ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। जितना फ्लक्स चेंज होगा उतनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। इतनी बात समझ आई होगी। अल्टीमेटली जो लेंस लॉ है ना, ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि जो चीज जिसको बनाती है उसी को वो क्या कर देती है, दूसरी चीज उसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, ए अगर बी को बना रहा है ना, तो बी कोशिश करेगा मैं ए को क्या कर दूं, खत्म कर दूं। समझ आ रही होगी बात। जैसे ह्यूमन नेचर होता है, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो आपका फ्रेंड जो ए है वो बी को पढ़ाने की कोशिश करेगा, तो बी की कोशिश होगी इसको भूल जाए सब कुछ। ह्यूमन नेचर होता है, सेम इसके साथ होता है। ए क्या करता है, इसके अंदर प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बी कोशिश कर रहा है जो प्रोडक्शन हो रही है मैं इसी को खत्म कर दूं। तो मीन्स ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए होता क्या है। तो यहां पे क्या होता है, लेंज लॉ ने क्या समझाया हमें, इसने बोला द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है किसके अंदर, कॉइल के अंदर, इस तरह से इंड्यूस होता है इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो अपोज करता, इस तरह से इंडक्शन होगी ईएमएफ की कॉइल के अंदर सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो क्या किसको अपोज करेगा, इस तरह से इंडक्शन होगी कि जो चेंज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, क्योंकि ईएमएफ को कौन प्रोड्यूस करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको दूसरे तरीके से भी हम समझा सकते हैं, कैसे, इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मैंने बोला था जहां तो ईएमएफ इंड्यूस बोलेंगे, जहां हम करंट इंड्यूस्ड बोलेंगे, करंट के हिसाब से क्या होगा, इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल, वहां पे ईएमएफ की बात हुई थी, ईएमएफ की पोलैरिटी की बात हुई थी, जहां पे करंट की डायरेक्शन की बात हो रही है। इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। ये क्या करता है, अपोज करता है, किसको अपोज करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो रही है, किसकी प्रोडक्शन हो रही है, करंट की प्रोडक्शन हो रही है। इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए कॉइल इज सच दैट इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। अप टू हियर क्या सभी को ये बात समझ आ गई, जो मैंने समझाया, सही यस और नो। अब देखिए आगे, यहां पे इतनी बात तो आपको समझ आ गई कि ईएमएफ इंड्यूस होती है, और ईएमएफ जो इंड्यूस होती है उसको हम कैसे लिख रहे थे, ई इक्वल्स टू, जहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी। इतनी सी बात तो किसने कही थी आपके, फैराडे सेकंड लॉ ने। लेकिन लेंस लॉ ने क्या कह दिया, डायरेक्शन के बारे में बताना शुरू कर दिया, और डायरेक्शन कैसी बता रहा है, हमेशा अपोजिंग होती है।
जब भी कोई चीज अपोजिंग हो तो उसको किसके साथ दिखाते हैं हम, नेगेटिव साइन लगा के। जब भी कोई चीज अपोज कर रही होती है, ऑपोजिट होती है, हम कौन सा साइन लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। और ये बन गया आपकी मैथमेटिकल फॉर्म किसकी, लेंज लॉ की। यानी कि ई क्या है आपका, व्हाट इज इट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। डी फाई बाई डी टी क्या है आपका, चेंज इन फ्लक्स। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको, कि डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन यानी कि अपोजिंग नेचर, अपोजिंग नेचर। क्या ये लेंज लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझ आएगी, सेम फैराडे सेकंड लॉ की तरह है, बस साइन क्या लगा दोगे आप, नेगेटिव। और नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं आपको पता चली गया, ऊपर मैंने दो स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करी। यस सर, ओके। अब करेंगे हम आगे वेरिफिकेशन। ये कल मैंने आपको दो टॉपिक्स दिए थे टेस्ट के लिए, ये आपने प्रिपेयर करने हैं फॉर सैटरडे, राइट। अब करेंगे हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ की हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। किस तरह से करेंगे, देखिए, कनेक्ट ए कॉइल टू ए बैटरी थ्रू ए गैल्वेनोमीटर जी एंड टू वे की एज शोन इन फिगर। अब यहां पे मैं आपके लिए फिगर बनाऊंगा, फिर उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेंज लॉ आपके एग्जाम में आता है रिपीटेडली, राइट। यहां पे मैं इसको, एक सेकेंड, देखिए सिंपल सा काम किया मैंने। मैंने क्या किया, एक मैंने यहां पे कॉइल ले ली, इस कॉइल को कनेक्ट कर दिया टू वे की के साथ। जी क्या है आपकी, टू वे की है। टू वे का मतलब आप इसको साथ कनेक्ट कर दोगे या इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। इसको थोड़ा मिटा देता हूं, कहीं भी कनेक्शन कर लो आप, कोई भी तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो यहां पे मैंने यहां पे एक बैटरी लगानी है, बैटरी कहां पे लगाएंगे हम, एक सेकेंड, जहां पे लगाएंगे हम बीच में एक बैटरी, बैटरी रख लो यहां पे, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ऐसे, ये हमने लगा दिया एक बैटरी, ये इस तरह से, ठीक है। जैसे कनेक्ट किया, एक बार डायग्राम देख लो आप, ठीक है। पहला कनेक्शन, फिर उसके बाद ये दूसरी वायर आएगी, ये तीसरी वायर आ गई, इसको मिटा दो। इस तरह से आपने कनेक्शन करना है। मैंने क्या किया, मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं। ये मैंने लगाई है बैटरी, जिसका नाम रखा है ई, यानी कि ईएमएफ है इसका। कुछ भी नाम रख सकते हो, वी रख दो, ई नाम रख दो। तो कनेक्शन कैसे किया मैंने, थोड़ी सी यहां पे मेरा टैब चल नहीं रहा सही से, इसलिए। हाँ, मैंने क्या किया, एक कॉइल बनाई, कभी सभी को ऑडिबल है आवाज आ रही है, मैंने एक कॉइल को लिया, इस कॉइल को मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, यहां पे आप देख रहे होगे मैंने क्या लगा देना है, गैल्वेनोमीटर लगा देना है। और एक क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे, ईएमएफ लगा दिया, यानी कि एक बैटरी लगा दी। और यहां पे मैंने यूज किया थ्री वे की, क्या यूज किया मैंने यहाँ पे, थ्री वे की। थ्री वे की का क्या काम है, आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो या इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, है ना, दो कनेक्शंस हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया यहां पे, इसको थोड़ा मैं साइज बड़ा कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये देखो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं आगे, इस तरह से आपने ऐसे करके डायग्राम बना लेनी है थ्री वे की। अब देखो क्या करना है हमें, यहां पे जो सारी थ्योरी लिखी है वो भी समझा देता हूँ साथ साथ में मैंने। ये देखो यहां से, कनेक्ट ए कॉइल टू ए बैटरी थ्रू ए गैल्वेनोमीटर जी
एंड ए टू वे की एज शोन इन फिगर। ये जो फिगर आपने ये वाली फिगर बनानी है, और आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉइल को कनेक्ट करना है किसके साथ, बैटरी के साथ थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, और साथ में क्या लगानी है आपने, टू वे की। टू वे की क्या होती है, एक कनेक्शन आपका ये बन सकता है, यहां से कनेक्शन तोड़ोगे तो कहां कनेक्शन बन जाएगा, ये वाला कनेक्शन बन जाएगा। तो दो किस्म के आपके कनेक्शन बनाने आपने। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, प्लग की बिटवीन टू एंड थ्री एंड द करंट फ्लो इन कॉइल एंड इन अपर पार्ट द कॉइल डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए होता क्या है, इनको मैं नाम दे देता हूं कॉइल्स के, ये आपका नंबर है वन की का, ये दूसरा और ये तीसरा। बोलता टू और थ्री के बीच में कनेक्शन कर दो, मींस इसको जोड़ दो, जब इसको जोड़ दोगे तो बैटरी कनेक्शन में आ गई, ऐसे करके देखो सर्किट बना हुआ है, तो करंट फ्लो करेगा ऐसे करके, करंट ऐसे करके फ्लो करेगा है ना इस डायरेक्शन में। अब जब ये करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है तो ये आपकी इस तरफ आपका क्या आएगा, करंट आएगा, करंट की डायरेक्शन आएगी, कब, जब मैंने टू और थ्री को क्या किया, ज्वाइन किया है, जब मैंने क्या किया है, टू और थ्री को ज्वाइन किया है, इसको और इसको, समझ आ रही होगी बात। ऐसा करने से इसके अंदर क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा, किसके अंदर, कॉइल के अंदर। जब कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने लगेगा, जब आप अपर फेस को देखोगे इस कॉइल के, तो मैंने मे भी कॉइल थोड़ी गलत बना दी होगी, बाद में मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो देखते हैं एक बार करंट फ्लो करवा के किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। करंट ऐसे करके आएगा और ऐसे करके फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, आप देख रहे हो, मैं कैमरा ऑन कर देता हूं। जैसे ही करंट आया, करंट कैसे फ्लो होने लगेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे करके फ्लो करेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब भी आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो कौन सा पोल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल। तो अपर फेस पे कौन सा पोल बन जाएगा, इस तरफ आपका कौन सा पोल बन जाएगा, आपका नॉर्थ पोल। तो साथ में मैंने गैल्वेनोमीटर भी लगाया था, तो करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, जैसे गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल भी डिफ्लेक्शन शो करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। तो मान लीजिए जब मैंने बोला प्लग ए की बिटवीन टू एंड थ्री करंट फ्लो इन ए कॉइल एंड इन अपर पार्ट ऑफ द कॉइल द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी है करंट की, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टुवर्ड लेफ्ट, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो किया अपर फेस पे, ऊपर से देख रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन किस तरफ शो की, लेफ्ट तरफ। यह बात याद रखनी है, हम अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। नाउ चेंज द पोलैरिटी ऑफ बैटरी देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज क्लॉकवाइज, आपने पोलैरिटी को चेंज कर देना है, ऊपर की तरफ नेगेटिव टर्मिनल रख दो, नीचे की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल रख दो, तो करंट ऐसे करके फ्लो करेगा। पहले अगर पॉजिटिव ऊपर था नेगेटिव नीचे था, करंट कैसे था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन किस तरफ की, लेफ्ट तरफ की। जब आपने पोलैरिटी को चेंज कर दिया तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी किस तरफ हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन उस समय कहा किस तरफ शो करनी है, राइट साइड शो करनी है। क्या यहां तक बात क्लियर हुई सभी को, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सही यस और नो, जितनी से ये इंपॉर्टेंट बहुत है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अभी तक हमने जो किया है वो सिर्फ कंसीडर किया है, देखो यहाँ पे, हेंस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अपर पार्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और जब क्लॉकवाइज होती है तो नीचे वाला पोल क्या हो जाएगा, साउथ पोल। समझ आ रही बात, मैंने क्या बोला, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो अपर पार्ट कैसा हो जाता है आपका, नॉर्थ पोल, जब क्लॉकवाइज होता है तो कैसा, कौन सा पोल बन जाता है आपका, अपर फेस कौन सा बन जाता है, साउथ पोल बन जाता है। आपने ये काम तो क्या किया, सिर्फ लेट करने के लिए किया, लेट करने के लिए आपने क्या क्या पता चला आपको, लेट करने के लिए आपने मान लिया जब आपकी नीडल किस तरफ होती है, लेफ्ट साइड, तो करंट किस डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर की तरफ कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल। जब नीडल राइट साइड शिफ्ट करती है तो करंट किस डायरेक्शन में चलता है, क्लॉकवाइज में चल रहा होता है, और पोल कौन सा बनता है आपका, साउथ पोल बनता है। हमने अभी तक इतनी बातें लेट कर ली हैं एक्सपेरिमेंटली गैल्वेनोमीटर को और बैटरी को यूज करते हुए। अब हमारा काम क्या होगा, वी विल डिसकनेक्ट दिस बैटरी, हम बैटरी को इस कनेक्शन से दूर कर देंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कनेक्ट दिस पोल्स,
सिर्फ इनको कनेक्ट करेंगे, तो आप देख रहे हो बैटरी बाहर होगी, कनेक्शन में है ही नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लग इन टर्मिनल नंबर वन एंड टर्मिनल नंबर टू, इन टर्मिनल्स को जोड़ दो, तो बैटरी ऑटोमेटिकली बाहर होगी सर्किट से हमारे, है ना, बैटरी आपकी क्या हो जाएगी, सर्किट से बाहर हो जाएगी। तो यहां पे वही लिखा है, नाउ जॉइन द प्लग ऑफ टर्मिनल वन एंड टर्मिनल टू, इन दिस केस बैटरी इज आउट ऑफ सर्किट। अब आपने करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, ब्रिंग ए मैग्नेट टूवर्ड अपर पार्ट ऑफ कॉइल से नॉर्थ पोल। आप क्या करते हो भाई साहब, यहां पे मैं कलर चेंज करता हूं, हाँ आप क्या करोगे, यहां पे एक मैग्नेट को लेके आओगे और मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर आओगे। जैसे एक मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर आओगे ना, ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। जैसे ही आप इस मैग्नेट को क्या करोगे, कॉइल के पास लेकर आओगे, मान लीजिए जो मैग्नेट का आप पोल है इस तरफ, वो कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, कौन सा पोल आपका, नॉर्थ पोल। तो ब्रिंग ए मैग्नेट टूवर्ड द अपर पार्ट ऑफ द कॉइल, इस तरफ आप क्या कर रहे हो कि मैग्नेट को लेके आ रहे हो, तो से कौन सा पोल है उसका, मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप इसकी तरफ ला रहे हो। देन जब एक मैग्नेट को कॉइल के पास लाते हो तो क्या होता है बताओ मुझे, करंट इंड्यूस होता है, फैराडे लॉ में पढ़ा है, तो क्या होगा, देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, करंट इंड्यूस होगा तो क्या गैल्वेनोमीटर है ना सर्किट में, अभी ऐसे करके जोड़ा हुआ है, तो क्या गैल्वेनोमीटर की अंदर डिफ्लेक्शन होगी, आप बोलोगे होगी, तो क्या होगा, एंड गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, और गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन किस तरफ शो की, लेफ्ट साइड, किस तरफ शो की, लेफ्ट साइड। जब भी गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन शो करता है तो इसका मतलब कौन सा पोल बना होगा, यहां पे नॉर्थ पोल बना होगा, मींस आप नॉर्थ पोल इसकी तरफ ला रहे हो, और इसके ऊपर भी कौन सा पोल बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई, तो यहां पे वही लिखा है, शोज द डिफ्लेक्शन टूवर्ड द लेफ्ट साइड, दिस मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी जो करंट की वो किस तरफ होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्या होगा वहां पे, हैंड्स अपर फेस ऑफ कॉइल बिकम नॉर्थ पोल विच अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट। भाई आप लेकर भी नॉर्थ पोल आ रहे हो और यहाँ पे बन भी कौन सा पोल गया है, नॉर्थ पोल बन गया। जब नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाओगे तो वहां पे क्या होगी, रिपल्शन होगी, होगी कि नहीं होगी। तो आप क्या कर रहे हो, अपने हाथ से नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके जा रहे हो, लेकिन ये कॉइल के ऊपर भी ऑटोमेटिकली कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये अपोज करेगा। आप नॉर्थ पोल कॉइल के पास लेके जा रहे हो, लेकिन कॉइल चाहती है कि मेरे पास ये नॉर्थ पोल ना आए, इसलिए वो क्या करने लगती है, रिपल्शन करने लगती है, उसको रिपेल करने लगती है। तो अगर आपको नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके जाना है, यू हैव टू डू सम वर्क, एंड दैट वर्क विल बी कन्वर्टेड टू करंट। वो जो वर्क होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वर्क में, यानी कि आपको अपने हाथ की एनर्जी को यूज करना होगा इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर जाने के लिए। तो वो जो एनर्जी होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ा सा और समझ आएगा, देखना कैसे, आप इसी नॉर्थ पोल को जब दूर लेके जाने लगोगे ना कॉइल से, जैसे आप इस कॉइल से मैग्नेट को दूर लेके जाने लोगों को, फिर से मोशन आ गया, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। तो जब आप क्या करोगे, व्हेन सिमिलरली व्हेन द मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द कॉइल द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, करंट बनेगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगा कौन, गैल्वेनोमीटर। लेकिन किस तरफ शो की इस बार इसने, राइट साइड शो की, क्या डिफ्लेक्शन, जिसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये राइट साइड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर आपका, तो यानी कि कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हुआ है करंट, इसका मतलब कौन सा पोल बना होगा आपका, साउथ पोल बना होगा, है, हेंस अपर पार्ट ऑफ द कॉइल बिकम साउथ पोल। अगेन इट अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट। अब बोलोगे कैसे अपोज किया मैग्नेट के मोशन को, आप नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हो, डिफ्लेक्शन किस तरफ शो कर दी आपके गैल्वेनोमीटर ने, राइट साइड, इसका मतलब करंट आपकी, करंट की डायरेक्शन क्या हो चुकी है, क्लॉकवाइज हो चुकी है। इसका मतलब यहां पे जो पोल बना वो कौन सा पोल बन गया, साउथ पोल, और ये कौन सा है, नॉर्थ। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब वो अट्रैक्ट करें, लेकिन आप इनको इस मैग्नेट को क्या कर रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, मैग्नेट और इस कॉइल के बीच में अट्रैक्शन शुरू हो गई है,
जब आप दूर लेके जा रहे हो, तो दूर लेकर जाने के लिए भी मैग्नेट को आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, यानी कि इनर्जी लगानी पड़ेगी, एंड दैट इनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल इनर्जी, तभी तो करंट बनता है। ये वही कॉन्सेप्ट है, इनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक फॉर्म ऑफ इनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ इनर्जी में कन्वर्ट होती है। जो आप मैकेनिकल एनर्जी यूज कर रहे हो मैग्नेट को इसके पास लेकर जाने में, वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अल्टीमेटली हमने समझा क्या, हमने समझा जब आप एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉयल के पास लेके आते हो, तो कॉयल का वो वाला फेस कौन सा बन जाता है, वो भी नॉर्थ पोल बन जाता है, इसलिए दोनों के बीच में रिपल्शन होती है। फॉर टू ओवरकम दैट रिपल्शन यू हैव टू डू सम वर्क, एंड दैट वर्क इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सेम जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आप दूर लेके जा रहे थे कॉयल से, तो ऑटोमेटिकली यहां पे कौन सा पोल बन गया आपका, साउथ पोल बन गया। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन यू हैव टू टेक दिस मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉयल। टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन यू हैव टू डू सम वर्क, एंड दैट वर्क विल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या ये बात सभी को समझ आई कि नहीं आई? नहीं भी आई होगी, आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। पहले एक बार मुझे कंफर्म करके बता दो, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट। अब देखो ये हमने, हेंस इट इज वेरीफाइड दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। क्या हमने ये वेरीफाई कर दिया, कैसे, क्या वेरीफाई किया? इट इज वेरीफाइड दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस करंट की, वो अपोज करती है क्या, कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है कि वो क्या करने लगती है, अपोज करने लगती है। किसको, उस मैग्नेट को अपोज करने लगती थी, जो मैग्नेट उसके पास आ रहा था या दूर जा रहा था उसको अपोज करने लगती है। अगर पास आ रहा होगा तो क्या करेगी, रिपेल करेगी, अगर दूर जा रहा होगा तो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। क्या ये प्रूफ हो गया हमारा, हमने अभी मैं एक्सपेरिमेंटल किया, ठीक है। लेंज लॉ ओवे द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, क्या ये प्रूफ करते हैं? अभी मैंने आपको बताया कैसे, जो पीछे एक्सप्लेनेशन मैंने की, आपको एक्सप्लेन किया, सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं। इसमें क्या होता है, इट इज द मैकेनिकल वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉयल दैट चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन, जहां प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट। जो आप मैकेनिकल वर्क करते हो, आप अपने हाथ से मैग्नेट को उस कॉयल के पास लेकर आ रहे थे, तो वो क्या हुआ आपका, मैकेनिकल वर्क हुआ। तो मैकेनिकल वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, दैट चेंजेस इनटू, वो जो वर्क होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यू चेंज हो जाता है, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है किसको, इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करता है। दस एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसलिए जो आपकी एनर्जी है वो क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी। When we do not move the magnet, जब हम मैग्नेट को मूव ही नहीं करेंगे, क्या फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो मींस आप मैग्नेट को ही नहीं हिला रहे, आपको, आप कोई वर्क ही नहीं कर रहे, वर्क कितना हो रहा है आपका, जीरो। अगर वर्क जीरो हो रहा है यानी कि एनर्जी जीरो है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कितनी बनेगी, जीरो बनेगी। समझ आ रही होगी बात। When we do not move the magnet, the work done is zero. Therefore, induced current is also not produced. Hence, Lenz's law obeys the principle of law of conservation. बस ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है। बाकी जो मैंने बातें समझाई यहाँ, वो वहां पे लिखी, यहाँ पे लिखी हुई है, जो पीछे समझा रहा था, तो उसको इतना आपने करना नहीं है, आपने ये वाला लिखना है, ठीक है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ ये बातें सारी आपको समझ आई होंगी। कोई डाउट है किसी को तो वो पूछ सकता है, ठीक है, कोई भी डाउट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका, ये देख लो, फैराडे फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है, फैराडे फर्स्ट लॉ टेल अस दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट। पहले लॉ ने सिर्फ इतनी सी बात की है, ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। फैराडे सेकंड लॉ गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। पहले लॉ ने सिर्फ क्या बताया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। सेकंड लॉ ने हमें क्या बताया, जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस करंट का वो कितना होता है, वो सेकंड लॉ ने बताया। और लेंज लॉ ने हमें क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, सिर्फ नेगेटिव साइन लगा दो, -d∅/dt, ये हो जाते हैं आपके तीन लॉस।
कंप्लीट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लेंथ लॉक। 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे।